हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी भी टेस्टी भी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गट्टे की सब्जी। बनाने के लिए हमने लिया एक कटोरी बेसन, जिसमें नमक ऐड कर दिया है मैंने। नमक ऐड करने के बाद हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन, जिसको हाथों से हम अच्छे से रब करने के बाद इसमें डाल देंगे। चलिए अब थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा डो बना के हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ढक के। तब तक हम इसको बॉईल करने के लिए पानी उबाल लेते हैं। एक कढ़ाई लिया मैंने, कढ़ाई में मैंने डाला तकरीबन 1 लीटर पानी। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल और इसको ढक के हम, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको हम ढक के पालेंगे। मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है 200 ग्राम दही। दही में डाला मैंने हल्दी, गरम मसाला और मिर्च पाउडर। इसका एक फाइन अच्छे से पाउडर मिक्स करके इसको हम रख देंगे साइड में। हमने जो डो बनाया था, अब उसकी छोटी छोटी लोई कट करके एक लंबे लंबे शेप में रख देंगे इसको। पानी हमारा उबल गया है, अब इसमें सारा हमें एक एक करके ऐड कर देंगे। गट्टों को हम इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने सारे गट्टे ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम ढक देंगे जब तक ये फ्लो होके ऊपर ना आ जाए। चलिए जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने लिया है तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें ऐड करेंगे हम जीरा। देखिए गट्टे अब फ्लो होके ऊपर आ रहे हैं। अभी 2 मिनट और इसको लो फ्लेम पे हम पका लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को भून लेंगे हम अच्छे से। प्याज हमारा भुन गया। लहसुन, अदरक, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बना लिया था हमने, अब उसको हम अच्छे से भून लेंगे। चलिए गट्टे को हम निकाल लेते हैं। हमारे गट्टे रेडी हैं। इसको सारे को हम फाइन बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। देखिए एक अच्छे से बुलबुला इन पे आ गया, मतलब ये पक गए हैं। हमारा लहसुन, अदरक, टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है। तब तक हम गट्टे को अपनी शेप में, जैसे आपको अच्छा लगे, छोटा या बड़ा शेप जैसे आपको देना चाहे वैसे देके आप काट सकते हैं। टमाटर हमारा वो तैयार है। इसमें हमने जो दही का मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। मसाला हमारा रेडी है। गट्टे का जो पानी था जो हमने नहीं फेंका था वो इसमें ऐड करना है हमें। देखिए मसाला कितने अच्छे से रेडी है। चलिए हम पानी ऐड कर देते हैं इसमें। अब पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे इसको। नमक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने नमक का तक नहीं डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। ध्यान रहे कि हमने बेसन में भी नमक डाला था। चलिए मसाला हमारा रेडी है। इसमें हम गट्टे ऐड करेंगे और इसमें 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ढक के अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोज़ के लिए गट्टे की सब्जी हमारी रेडी हो गई है। इसमें ऐड करेंगे अब हम धनिया, जो हमने चॉप करके रख लिया था। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनता है। मैंने चावल के साथ बनाया है। आप चाहे तो इसको रोटी या पराठा के साथ बना सकते हैं, जैसे आप